आप विधि विधान नियम से कथा सुनिए श्रीमद् भागवत। मनवांछित फल की प्राप्ति होगी ही, जुटला नहीं सकता कोई भी। ये भागवत का प्रमाण है, हमको अपने बात से थोड़ी कह रहे, अपने आप से थोड़ी कह रहे हैं। एक और बात बताएं, हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उससे पहले लगभग 1100 वर्ष हम लोग गुलाम रहे, 1100-1200 वर्ष लगभग रहे कि नहीं, जवाब दो। हैं? उस समय भी आज से ज्यादा, गुलामी के समय में भी आज से ज्यादा सनातनी धर्म परायण थे, आज से ज्यादा। जितना पतन हमारा आजादी के बाद हुआ है, उतना पतन गुलामी के समय भी नहीं हुआ था। उस समय भी लोग अपने प्राण दे देते थे, लेकिन अपने भक्ति के लक्षणों को नहीं जाने देते थे। आज पैसा ही सब कुछ हो गया है। देखो, पैसा 10-20 साल काम आएगा, धर्म युग युगांतर तक काम आएगा। मैं कोई बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, आप भी कोई धर्म के ठेकेदार नहीं हो, लेकिन हम और आप एक काम जरूर कर सकते हैं, हम कथा मंडप में अपने धर्म को जागृत रखें, आप अपने घर में अपने धर्म को जागृत रखो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा ना भी हो इतना तो करें। जितने मन से आप कथा सुन रहे हैं, अगर उतने ही मन से आपके बच्चे भी कथा सुन जाएं, तो समझ लेना आपने अपने धर्म को जिंदा रखा है अपने घर में। और ये हर मां बाप की जिम्मेदारी है। जननी जने सपूत जन मत जनियो तू कपूत, सपूत को जन्म दो। आज तेरे माथे पे तिलक है, तेरे बच्चे के माथे पे कल तिलक है, कंठी है, कलावा है, मुख पे भगवान का नाम है। और फिर उस कर्म को करते करते जब वो कहीं आईएएस आईपीएस नेता लीडर बिजनेसमैन जो भी बनेगा, तेरे बच्चे के सानिध्य में जितने भी लोग आएंगे, भक्ति की छाया उन सबको प्रभावित करेगी और वो सब के सब तर जाएंगे। बारिश हो रही हो छाता लगा दो, सारा नहीं तो कुछ तो बचेगा। भक्ति हमारे जीवन की छाता है। जब आपके बच्चे हमारे बच्चे भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, बड़े बड़े लोग बनेंगे, और उनके सन्निध्य जो भी आएगा वो भी भक्ति की सीमा में कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी भक्ति के धारा में गोते लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बाबा भोलेनाथ कथा सुनते हैं, माँ पार्वती कथा सुनती है, ऐसा क्या है कि हम कथा नहीं सुन सकते? कौन सा पाप जग गया हमारा, ऐसा कौन सा पाप जग गया कि कथा सुनते ही हमें करंट आता है, बुखार चढ़ाता है? भागवत तो औषधालय है, भागवत तो सभी रोगों का नाश कर देती है। इसलिए अगर हम और आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, तो हमें कम से कम अपने बच्चों को धर्म परायण बनाना चाहिए। आपकी तरह आपके ये बहाना है, हमारे बच्चे नहीं सुनते, मतलब आपने नालायक पैदा किए हैं। ये बहाना है कि मेरे बच्चे नहीं सुनते, सुनेंगे कैसे नहीं? आपने उन्हें बचपन से कौन सी शिक्षा दी है कि वो अपने मां बाप की नहीं सुनते? कौन सी शिक्षा दी आपने? पैसा दो नो प्रॉब्लम, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार।